पांच वजहें जो बताती हैं दुखी होना ठीक है। चीयर अप, उम्मीद मत छोड़ो, दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर आप पहले भी दुखी हुए हैं तो शायद आपने इनमें से कोई एक किसी अच्छे दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अपने से सुना होगा। ये जानते हुए कि इंटेंशनली वो सही हैं, ऐसे में किसी को उसके दुख से बाहर निकलने के लिए कहना उन्हें बेहतर महसूस कराने की बजाय और इरिटेट कर सकता है। वैसे हम दुखी होकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ग्रांट हिलरी ब्रेनर के अनुसार पर्सनल ग्रोथ के कुछ मौके केवल उदासी के पलों से ही मिलते हैं। वैसे शुरू करने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सभी डेली वीडियोस और कंटेंट से आप अप टू डेट रह सकें। हम यहाँ डिप्रेशन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि इसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और सुनने का माध्यम बनाएं, बजाय उन्हें अनदेखा करने के। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जानिए ये पांच कारण कि आपका दुखी होना क्यों ठीक है। पहला, दुख को गले लगाने से राहत मिलती है। भावनाओं को छिपाने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है। क्या आप कभी दुखी हुए हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए? दूसरों को आपके इमोशनल स्टेट का पता लगने के डर से खुद को हिम्मती दिखाते रहे? अगर आपने ऐसा किया है तो आप समझ सकते हैं कि खुद को खुश दिखाने के लिए दुख को दबाना कितना कष्ट भरा हो सकता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ब्रेनर के अनुसार इन दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने से बहुत राहत मिलती है, क्योंकि आपको वापस उन भावनाओं को छिपाने में ध्यान नहीं देना होता। ब्रेनर कहती हैं कि दुख को दबाने से हम भयानक और दर्दनाक विचारों या यादों से दूर हो जाते हैं, इसलिए भावनाओं को अंदर ना दबाएं और खुद को आगे की परिस्थिति के लिए तैयार करें। पर जब हम इसे एक्सप्रेस कर देते हैं तो राहत मिलती है, क्योंकि हमें इससे लड़ने के लिए फिर से परेशान नहीं होना होगा। अगर आपने कभी खुलकर रोने के लिए कुछ समय लिया हो तो आंसुओं के थमने के बाद शायद आपको थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई होगी। खुलकर रो लेने से वो सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारा दुख कम हो जाता है और अपनी भावनाओं को लेकर हम कम दुखी और कम चिंतित महसूस करते हैं। इसलिए खुद को और दूसरों को धोखा देने की बजाय वो करें जो सही है, और मौका मिलने पर अपनी भावनाओं को सही तरह से जाहिर करें। दूसरा, दुखी होना आपको खुद के लिए सच्चा बनाता है। ब्रेनर के अनुसार जब हम दुखी होने से जुड़े सामाजिक भेदभाव से ऊपर जाते हैं तो ये हमें काफी हद तक राहत और खुद के लिए सच्चे होने का मौका देता है। मैं सैड फील कर रही हूँ जैसी बात को भी कह पाना आपको खुद को नॉन जजमेंटल तरीके से देखने के लिए बढ़ावा देता है, जिसे ब्रेनर मोर फंक्शनल देन नेगेटिव कहती हैं। इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को लेकर न केवल दूसरों के साथ बल्कि आप खुद के साथ भी सच्चे रहें। ब्रेनर के अनुसार रोने के डर पर काबू पा लेना जीवन को बदल देने वाला पीक पॉइंट हो सकता है। हर बार का रोना हमें बेहतर महसूस ना कराए, लेकिन आंसू अक्सर राहत देते हैं और जिससे शायद खुद के लिए हमारा नजरिया बदल जाता है। अगली बार जब आप दुखी हों तो इसे भूलने या ध्यान हटाने की कोशिश ना करें, बजाय इसके अपनी भावनाओं को लेकर खुद के साथ सच्चे रहें, चाहे वो छोटा सा दुख या उदासी ही क्यों ना हो। इससे आप अपनी भावनाओं के प्रति हमेशा सच्चे रहेंगे। तीसरा, दुख का मतलब हमेशा डिप्रेशन नहीं। जैसा हमने पहले भी बताया है, हमारा उद्देश्य डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इशू को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्रेशन अक्सर दुख की गहरी भावनाओं से जुड़ा होता है, लेकिन दुख की सभी भावनाएं क्लिनिकल डिप्रेशन से नहीं जुड़ी होती। कई मामलों में दुख हमारे इमोशनल स्पेक्ट्रम का एक नेचुरल पार्ट होता है, जो कई एक्सटर्नल सोर्सेज और फैक्टर्स के जरिए हो सकता है। ब्रेनर के अनुसार दुखी होने को समाज में बुरा माना जाता है और जिसे वो दुख का विकार कहती हैं। जब दुखी होने का मतलब खराब, एक शरारती बच्चे की तरह या बीमार समाज के अनुसार है, तो हम उस मछली की तरह एक टैंक में तैर रहे हैं जिसका फिल्टर टूटा है, जिसमें दुख जैसी भावनाएं पैदा होती हैं और हमारे मन को प्रदूषित करती हैं। ब्रेनर कहती हैं, अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता और उपचार लें। ध्यान रखें कि साधारण उदासी को डिप्रेशन का लक्षण ना समझें,
क्योंकि ये आपको अपने दुख को पहचानने से रोकता है और आप जरूरत के अनुसार इस पर ध्यान नहीं दे पाते। चौथा, दुख हमें दूसरों से जोड़ता है। हम जिस तरह से अपनी भावनाओं को अंदर दबाते हैं, ब्रेनर उसे मौन व्रत बताती हैं, जो एक अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और हमें अपनी भावनाओं और उन चीजों के बारे में खुल के बोलने से मना करता है जिनके कारण हमें कुछ इमोशंस का अनुभव होता है। हालांकि किसी और के साथ अपने दुख को बांटने और समझने से ब्रेनर के अनुसार आप उस व्यक्ति के साथ सही तरीके से जुड़ते हैं, अटैचमेंट बढ़ता है और दुख से होने वाले आइसोलेशन और सेपरेशन की भावनाओं में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा दूसरों के साथ दुख को बांटने से टीम वर्क और कोऑपरेशन की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। ब्रेनर के अनुसार परिवार, समाज या कल्चर के साथ अपना दुख शेयर करें, साथ मिलके शोक मनाएं और उसे खत्म करें, जो कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। पांचवा, दुख हमें दयालु बनाता है। भावनाओं को दबाने से हमें दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति दिखाने में मुश्किल होती है। उसी तरह अपने नेगेटिव इमोशंस को लेकर सच्चे और ओपन माइंडेड रहना हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूति से भरा बनाता है। ब्रेनर कहती हैं, अपने दुख को समझने से एक इमोशनल कम्युनिकेशन पैदा होता है, क्योंकि जब व्यक्ति के ज्ञान का अनुभव दूसरे के वास्तविक अनुभव से मेल खाता है तो आपसी संबंध बढ़ता है और ये बदलाव रिश्तों को आगे ले जाता है। दूसरे शब्दों में, हम दूसरों के इमोशंस को तब समझ पाते हैं जब हम अपने इमोशंस को बेहतर समझते हैं और इस तरह दूसरों से उचित और बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। बचपन से ही हम में से कई लोगों को ये सिखाया गया है कि दुखी होने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी सिचुएशन की बजाय हम में कुछ गलतियाँ हैं। सच तो ये है, हर इमोशंस की तरह दुख भी जीवन का एक हिस्सा है जो आता जाता रहता है। इसलिए अपने नेगेटिव इमोशंस को लेकर खुद के साथ सच्चे बने रहना आपको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कभी कभी सैड फील करना अच्छा होता है। क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगा? आप कैसे सैडनेस की फीलिंग्स का सामना करते हैं? अगर आप शेयर करने में कंफर्टेबल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और बातचीत को जारी रखें। ध्यान रहे, खुद के साथ सच्चे रहें और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।